आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 1 से 12। हे इसराइल सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है इसका कारण तेरा धर्म या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है उसका कारण उनकी दुष्टता है और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाती है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है जब तक तुम इस स्थान पर न पहुँचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे दो वाचा की पटियाएं मुझे दे दी और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाल कर बना ली है।